हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा राइवलरी, इंग्लिश और मराठा के बीच में कैसे दुश्मनी होता है और फाइनली किस तरह इंग्लिश अब मराठास को अपना सबॉर्डिनेट या फिर अपना वशल बना देते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि बालाजी बाजीराव आउट ऑफ ग्रीफ मर जाते हैं आफ्टर लिसनिंग टू द रिजल्ट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो एंग्लो मराठा राइवलरी में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेशवा, जो कि बालाजी बाजीराव के मरने के बाद सीट ऑफ पेशवा पे आते हैं, उनका नाम रहता है माधव राव। ये पेशवा 1761 में बनते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत एंड द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव अप टू 1772। सो माधव राव के लीडरशिप के अंदर मराठा जो है फिर से अपना पावर रिगेन कर रही होती है डेक्कन में। पूरे इंडिया से तो उनका पावर चला गया, लेकिन डेक्कन में फिर से वो रिगेन करने लगती है अपना पावर। मराठा जब माधव राव के अंदर रहते हैं तो ये लोग अपना जो भी लॉस हुआ है उसको मेकअप करने के लिए कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर ये सबको फिर से लूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो माधव राव के अंदर रिकवरी ऑफ मराठा चल रहा था। फिर माधव राव का डेथ हो जाता है 1772 में और उनका भाई नेक्स्ट पेशवा बनता है। तो माधव राव का भाई होता है नारायण राव, जो कि 1772 में आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव पेशवा बनते हैं, लेकिन एक साल में ही इनका रिंग खत्म हो जाता है अप टू 1773। तो नारायण राव सक्सीडेड माधव राव एज द फिफ्थ पेशवा, ये फिफ्थ पेशवा थे। लेकिन नारायण राव के अंकल रघुनाथ राव यानी बाजीराव वन के जो बेटे थे रघोबा, वो इसके अंकल हुए नारायण राव के, तो उनको ये बात पसंद नहीं आया कि नारायण राव पेशवा बन गए हैं। इसलिए रघुनाथ राव ने क्या किया, नारायण राव को असैसिनेट कर दिया, मार डाला और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, जबकि ये इलीगल था, वो लीगल हियर नहीं थे। तो लीगल हियर कौन होगा, नारायण राव का बेटा होगा। लेकिन नारायण राव के मरने के बाद नारायण राव की जो पत्नी थी उसे एक बेटा होता है, गंगाबाई को एक बेटा होता है और ये इन्फेंट रहता है जिसके जिसका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव नारायण, और ये होता है लीगली नेक्स्ट पेशवा। तो जो नेक्स्ट पेशवा आते हैं नारायण राव के असैसिनेशन के बाद, वो है उनके बेटे जो कि बहुत छोटे रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं, माधवराव नारायण इन 1773। ये गलत है, ये 1795 तक होगा। तो 12 मराठा चीफ्स नोन एज बारह भाई, तो 12 मराठा चीफ का ग्रुप बनता है जिसे बारह भाई बोलते हैं और जिसके लीडर थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस लीडर बनते हैं इस 12 भाई के। तो ये लोग एफर्ट लगाते हैं कि जो इन्फेंट है उसे नेक्स्ट पेशवा बनाने का और खुद रूल करते हैं एज ए रीजेंट नाना फडणवीस। इसके कारण रघुनाथ राव काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे पेशवा नहीं बनाया गया और वो चला जाता है इंग्लिश के पास मदद मांगने। इंग्लिश तो ताक लगाए बैठी हुई थी कि कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले और हम लोग मराठास को पूरी तरह डिवाइड कर दे और एक गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश कर पाए, जिस तरह बंगाल में डायर की रॉबर्ट क्लाइव साहब लाए हैं, वैसा ही कुछ अरेंजमेंट ये लोग बॉम्बे में पूना में करना चाहते थे। इसलिए बॉम्बे गवर्नमेंट को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता कि दखल अंदाजी करे मराठा में और डायर की को इम्प्लीमेंट करे पूना में। जब रघुनाथ राव इंग्लिश के पास पहुंचते हैं तो इंग्लिश और रघुनाथ राव के बीच में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। तो अंडर दिस ट्रीटी रघुनाथ राव को बोलते हैं कि आप मुझे टेरिटरी ऑफ सेलसेट एंड बेसिन दे दो इसके बदले में, और जो रेवेन्यू आएगा सूरत और बरोचला इलाका से वो भी दे दो, उसके बदले इंग्लिश आपको 2000 सोल्जर देगी ताकि आप पेशवा के गद्दी पे जाके लड़के बैठ सको। लेकिन जो ब्रिटिश काउंसिल कलकत्ता में था वो हेड थी पूरे बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट की भी। बॉम्बे और मद्रास जो है कलकत्ता के अंदर आते थे, तो लीडर कौन, कलकत्ता प्रोविंस, कलकत्ता वाली गवर्नमेंट लीडर है बॉम्बे गवर्नमेंट की और मद्रास गवर्नमेंट की। तो कलकत्ता वाले काउंसिल जो थी ब्रिटिश काउंसिल वो कंडेम करती कि नहीं ये ट्रीटी बिना हमारे परमिशन के हुआ है, इसलिए कॉलोनियल अपटन को पूना भेजा जाता है बाय द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल और बोलते जाके ये ट्रीटी को खारिज करो और एक नया ट्रीटी करके आओ। तो अपटन पहुंचते हैं तुम्हारा पूना और एक नया ट्रीटी होता है, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। तो इस ट्रीटी के अंदर रघुनाथ राव को बोला जाता है कि आपको एक पेंशन दिया जाएगा, उसके बदले आप अपना जो रीजेंसी है, आप अपना जो अहदा है उसको त्याग दीजिए, उसे बॉम्बे गवर्नमेंट को दे दीजिए।
लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट इसे रिजेक्ट कर देती है और रघुनाथ राव को रेफ्यूजी दे देती है कि आप हमारे शरण में आ जाओ। इन 1777 ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यह भी था कि नाना फडणवीस जो है अपने एम्पायर में यानी मराठा साम्राज्य में किसी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज को कोई भी शरण नहीं देंगे। तो नाना फडणवीस 1777 में क्या कहते हैं, वायलेट कर देते हैं इस ट्रीटी को। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच को एक पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे दे देते हैं और इसके बदले इंग्लिश गुस्सा होके एक फोर्स भेज देती है पूना और इसे कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1882 तक चलता है। तो इंग्लिश एंड द मराठा आर्मीज, दोनों की आर्मी मिलती है आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना में। तो मराठा की फोर्सेस काफी बड़ी थी देन द इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के पास क्या था, सुपीरियर वेपन्स था। मराठा की आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे महतजी सिंधिया। इस वॉर में महतजी सिंधिया क्या करते हैं, गुरिला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते हैं, जो कि बाजीराव का और शिवाजी अपनाते थे वैसा टेक्निक, प्लस स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी क्या होता है, सपोज ये हिल्स है तो गुरिला वॉरफेयर टेक्निक में मराठा इस हिल्स में चले जाएंगे, छुप जाएंगे और पीछे से ब्रिटिश आएगी। तो जैसे जैसे ये मराठा आगे चलते जाएंगे और पीछे पीछे ब्रिटिश आते जाएगी, तो क्या करेंगे मराठा, जैसे यहाँ पे लैंड में ये लोग खड़े थे और फिर वहां से क्रॉस कर गए, तो इस लैंड में सपोज कुछ कुआं होगा पानी पीने का, फूड सप्लाई होगा, फूड सप्लाई को खत्म कर देंगे, जहर मिला देंगे उसमें और पानी में भी जहर मिला देंगे। तो जब ब्रिटिश आएगी और इन्हें प्यास लगेगा तो यहाँ पे रिसोर्सेस कंज्यूम करते हुए जाएगी, पानी पीते हुए जाएगी इस जहरीला पानी को कुआं से, तो उससे क्या होगा, उनकी मृत्यु होते हुए जाएगी और अगर नहीं पियेंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे। तो ये था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, ये अपनाते हैं महतजी सिंधिया और ब्रिटिश का सप्लाई को भी कट कर देते हैं पीछे से। इसके कारण इंग्लिश को क्या होता है, मिड जनवरी आते आते सरेंडर करना होता है और 1779 में एक ट्रीटी करना होता है विद द मराठास। इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव, जो कि 1779 में होता है बिटवीन द मराठास एंड द बॉम्बे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव के अंदर क्या होता है, जो बॉम्बे गवर्नमेंट होता है उसे सारा टेरिटरीज जो है, जो कि इंग्लिश एक्वायर की हुई रहती है 1775 से ही फ्रॉम रघुनाथ राव, उसे वापस देना होता है। लेकिन जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ये रिजेक्ट कर देते हैं ये ट्रीटी को फिर से और एक बहुत बड़ी इंग्लिश आर्मी को अंडर कॉलोनियल गॉडार्ड भेजते हैं टू कैप्चर अहमदाबाद एंड बेसिन। वो कैप्चर कर भी लेते हैं। कैप्टन पोफम को भेजा जाता है कि आप जाओ ग्वालियर और सेंट्रल और कैप्चर करो, और इसे भी कैप्चर कर लिया जाता है। वहीं पर जनरल कैमेक नामक व्यक्ति को भी भेजा जाता है सिपरी, और सिपरी को कैप्चर कर लेते हैं। जनरल कैमेक बाद में महतजी सिंधिया को हरा देते हैं इन फरवरी 1781 और सिंधिया जो बोलता है चलो अब एक मिलकर ट्रीटी करते हैं बिटवीन द पेशवा एंड द इंग्लिश, जो कि साइन कर दिया गया था और रेटिफाई कर दिया गया बाय हेस्टिंग्स एंड फडणवीस, दोनों मान जाते हैं इस ट्रीटी को। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सलवई, जो कि 1782 में होता है, जिसके अंदर 20 साल का पीस बिटवीन इंग्लिश एंड मराठास में के बीच में समझौता होता है कि 20 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। ट्रीटी ऑफ सलवई 1782 में जो होता है इसके मुताबिक इंग्लिश के पास सेलसेट का कंट्रोल रहेगा, जो टेरिटरीज जो पुरंदर में दिया गया था तो वो सब टेरिटरीज जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा मराठास को, इंक्लूडिंग बसिन। इंग्लिश जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे रघुनाथ राव को, और पेशवा जो है एक मेंटेनेंस चार्ज कुछ अलाउंस देंगे रघुनाथ राव को जिन्हें मरने का। तो इंग्लिश के पास सारा प्रिविलेजेस होगा ट्रेड का जैसे पहले था। पेशवा जो है किसी भी यूरोपियंस को सपोर्ट नहीं करेंगे और महतजी सिंधिया जो है वो एक गारंटर के रूप में रहेंगे, जो कि ऑब्जर्व करेंगे कि इस ट्रीटी का पूरी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेशवा होते हैं, अभी तो इन्फेंट था सवाई माधवराव नारायण, उसके बाद बाजीराव टू आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो पेशवा माधवराव नारायण जो रहते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं 1795 में, और उनके बाद पेशवा होते हैं बाजीराव टू, जो कि रघुनाथ राव के बेटे होते हैं और ये काफी नलायक होता है। Was the worthless son of Raghunath Rao, who became the next Peshwa. और इसके सबसे बड़े एनिमी नाना फडणवीस रहते हैं, जो कि पहले से भी थे, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन नाना फडणवीस जो कंट्रोल किए हुए थे पूरा मराठा साम्राज्य, उनका डेथ हो जाता है 1800 में और ब्रिटिश को एक एडेड एडवांटेज और एक अपॉर्चुनिटी दिखने को मिल जाता है कि वो इंटरवीन कर सके जो मराठा का डिवाइडेड हाउस है। मराठा ऑलरेडी अंदर में ही लड़ रहा है, डिवाइडेड हाउस है उसका, उसमें इंग्लिश को हस्तक्षेप करना का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर,
1803 से 1805 के बीच में। सो अप्रैल 1801 में पेशवा बाजीराव टू जो होते हैं मर्डर कर देते हैं ब्रदर ऑफ जसवंतराव होलकर। जसवंतराव होलकर एक मराठा सरदार होते हैं, उसका भाई होता है बिट्टू जी, इसका ब्रूटली मर्डर कर देते हैं बाजीराव टू। जसवंतराव काफी एनरेज होता है, काफी गुस्सा होता है और अपना फोर्स कंबाइंड फोर्स ऑफ सिंधीज और बाजीराव टू को हरा देता है। सो ये टर्मोइल जो होता है ये कंटिन्यू होता है 1802 तक। जसवंतराव जैसे कि मैंने बताया कि बाजीराव टू को और सिंधिया को हरा देते हैं एट हदसपुर पूना, और एक विनायक राव नामक व्यक्ति को जो कि सन ऑफ अमृता राव था वो सीट पे बैठा देते हैं और पेशवा इलीगली, बट लीगली जो पेशवा है वो बाजीराव टू ही है। बाजीराव टू जो है वो भाग के चले जाते हैं बसिन 31 दिसंबर 1802 को और एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं इंग्लिश के पास, बाजीराव टू चले गए। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसिन होता है 1802 में बिटवीन बाजीराव टू एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे बाजीराव टू कुछ टर्म्स को एग्री कर जाते हैं, जैसे कि वो रिसीव करेंगे कंपनी का ट्रूप्स को ऑफ 6000, यानी 6000 जो सोल्जर्स होंगी इंग्लिश की वो परमानेंटली कहाँ पे रहेगी, बाजीराव टू के टेरिटरीज में रहेगी, प्लस कुछ टेरिटरी कंपनी को दे दिया जाएगा जिससे इनकम रुपीज 26 लाख आए। सरेंडर कर देगा सिटी ऑफ सूरत बाजीराव टू इंग्लिश को, प्लस जितना भी क्लेम करता था पेशवा चौथ का निजाम का जो भी टेरिटरी है उससे वो क्लेम अपना हटा देगा मराठा से। प्लस बाजीराव टू टू एक्सेप्ट कंपनीज आर्बिट्रेशन, कंपनी का आर्बिट्रेशन वो एक्सेप्ट करेंगे बिटवीन पेशवा एंड निजाम। पेशवा और निजाम के बीच में जो भी डिफरेंसेस था, जो भी लड़ाई झगड़ा था और गायकवाड़ के बीच में, तो इसके बीच में मेडिएशन के लिए कौन आएगा, मेडिएशन के लिए इंग्लिश आएंगे और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मराठास कोई भी यूरोपियन नेशन को एम्प्लॉय नहीं देंगे। टू सब्जेक्ट हिज रिलेशन विद अदर स्टेट्स टू द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश, और जो भी रिलेशन है मराठा का जैसे सपोज पंजाब से एंड ऑल, सो इस सब के बीच में जो भी रिलेशन है ये अब जो हैंडल होगा बाय द इंग्लिश होगा फ्रॉम द मराठास साइड। तो याद करो ये सब जितना फीचर्स है दैट इज द फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस एक तरह से साइन कर देते हैं बाजीराव टू विद इंग्लिश। अब क्या होता है, ये ट्रीटी साइन करने के बाद ही जो मराठास होते हैं वो वसल बन जाते हैं इंग्लिश के सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। तो आफ्टर पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, ये जो सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं पेशवा बाजीराव टू, तो सिंधिया एंड भोसले कुछ अटेम्प्ट लेते हैं कि अपना जो मराठा का इंडिपेंडेंस है उसको कुछ बचाया जा सके। लेकिन इंग्लिश आर्मी अंडर आर्थर वेल्सली के अंदर आती है एक आर्मी और डिफीट कर देती है मराठास के फोर्सेस को, और एक सेपरेट सब्सिडियरी अलायंस फिर साइन होता है तुम्हारा सिंधियाज लोग के साथ भी। 1804 में यशवंतराव होलकर एक कोलिशन बनाते हैं कि इंग्लिश के साथ मिलके लड़ते हैं, लेकिन ये कोलिशन काम नहीं करता, बट इन वेन। सो अब मराठास जो है बस एक इंग्लिश के वसल, इंग्लिश की कठपुतली बन के रह गए आफ्टर साइनिंग द सब्सिडियरी अलायंस। फिर होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तुम्हारा 1817 टू 1819 के बीच में होता है। तो इस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, उनका काफी इंपीरियलिस्टिक मेजर्स था टू इम्पोज ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश अथॉरिटी को इम्पोज करने के लिए काफी ज्यादा वो मेजर्स लेते थे। सो चार्टर एक्ट 1813 में आया था, एक एक्ट आया था, एक लॉ आया था 1813 में, जिसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था जो कि क्वीन दी थी उसको स्टार्टिंग 1600 में कि आप ट्रेड कर सकते हो, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है एक्सेप्ट इन चाइना विथ टी। चाय में उनका अभी भी मोनोपोली है चाइना के साथ, बाकी सब में उनका मोनोपोली खत्म हो जाता है। इसलिए कंपनी को अब क्या चाहिए था, ट्रेड के लिए और भी मार्केट्स नया नया चाहिए होता है। तो वन ऑफ द रीजन टू गेट द मराठास इनटू ब्रिटिश पैरामाउंसी, मार्केट का कैप्चरिंग भी रहता है। अब जब मराठास जो है वो वीक हो चुके थे काफी, तो याद करो पिंडारीज थे जो कि वॉरफेयर में हेल्प करते थे मराठास का बाजीराव के समय, तो मराठास के वीक होने के बाद उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। उसके बाद पिंडारीज क्या करेंगे, अपना पुराना काम वही लूट प्लंडर मचाना। तो पिंडारीज को जीने मरने के लिए खाने के लिए क्या होना चाहिए था, कुछ चाहिए था, जिसके कारण वो क्या करते हैं प्लंडरिंग करते हैं नियर बाय टेरिटरीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ कंपनीज। तो कंपनी का जो भी टेरिटरी अगल बगल था वहां पर भी ये लोग लूट वगैरह मचाते हैं पिंडारीज और अपना दिनचर्या गुजारते थे। इंग्लिश क्या की, इंग्लिश ये चार्ज लगा दी कि मराठास ये सब करवा रहे हैं पिंडारीज से और पिंडारीज को शेल्टर दिए हुए हैं मराठास, ऐसा चार्ज लगा देती है मराठास के ऊपर।
पिंडारीज में कुछ लीडर्स है जैसे कि अमीर खान एंड करीम खान, वो लोग क्या करते हैं सरेंडर कर देते हैं इंग्लिश के हाथों। वहीं एक होता है चीटू खान, वो भाग जाता है जंगलों में। तो मराठा सॉ द ट्रीटी ऑफ बसिन, जो मराठा ट्रीटी ऑफ बसिन हुआ था, तो मराठा उसको एज ए देखती थी कि वो तो कंप्लीट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हम लोग सब कुछ अपना इंडिपेंडेंसी खो चुके हैं अंडर द हैंड ऑफ इंग्लिश। तो ये ट्रीटी ऑफ बसिन को इस व्यू से देखा जाता था बाय द मराठास। वही हेस्टिंग्स ने जो एक्शन लिया था पिंडारीज के अगेंस्ट, वो भी मराठास कंसिडर करती थी कि उनका जो इंडिपेंडेंसी, उनका जो सॉवरेनिटी ऑफ मराठास है, उसके ऊपर ये हमला हुआ है। इसलिए ये सब जो इंग्लिश कर रही थी, उनका इंडिपेंडेंस लगभग लगभग चला गया था, तो मराठास मिलके एक लास्ट अटेम्प्ट लेते हैं अगेंस्ट द इंग्लिश। तो बाजीराव टू एक लास्ट अटेम्प्ट लेते हैं 1817 में, सारे मराठा सरदार्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं और मार्च करते हैं अगेंस्ट इंग्लिश, और ब्रिटिशर्स के रेसिडेंसी, जो परमानेंट रेसिडेंसी थे, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं पूना में। लेकिन इस वक्त तक क्या होता है, मराठा के पास जितना भी टेक्निक्स, जितना भी पैसा था, वो ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके कारण वो ये वॉर हार जाते हैं। तो उनके पास वैसा कुछ भी नहीं था जिससे वो फिर से पावर बन पाए। इंग्लिश बहुत हार्ड स्ट्राइक करती है, विगरेसली स्ट्राइक करती है, और मराठा को अलाउ नहीं करती है, पेशवा को अलाउ नहीं करती है कि वापस से वो अपना अथॉरिटी जमाए मराठा सरदार्स पे या फिर कॉन्फेडरेसी। फाइनली जून 1818 में देखने को गया कि पेशवा जो है सरेंडर कर देते हैं, और मराठा का जो कॉन्फेडरेसी था सरदार्स लोग का, वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, टूट जाता है, मराठास बिखर जाते हैं। इंग्लिश क्या करती है, बस एक सिंबल के लिए प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को, जो कि डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी के फैमिली के थे, उसे रूलर बना देती है एक स्मॉल टेरिटरी का सतारा में, जो कि पेशवाई डोमिनियन से निकाला गया था, उसे निकाल के एक टेरिटरी दे दिया गया उन्हें रूल करने के लिए। इस तरह मराठास जो है खत्म हो जाती है ऑन द हैंड ऑफ इंग्लिश। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस लाइक इम्पैक्ट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, critically analyze the factors responsible for Marathas defeat in the third battle of Panipat. Third question is what are the causes which led English win in the Anglo-Maratha war. Attempt these questions, it would be beneficial. So Marathas yahan pe khatam hota hai. Monday ko hum log dekhenge Anglo-Mysore war, and all the best for the Sunday test. Sunday test ko tumhara Marathas tak aayega sab kuch. Agar koi doubt hai to you can comment, otherwise thank you.